Hello students, I am Professor Radha Rashmi Tiwari. I am here to code a program in C++ for you. So let's start with the question. Write a C++ program using multiple inheritance having base class basic info, which contains name, employee ID, gender, and class department info contains department name, assigned work, time to complete. Derived class employee from both basic info and department info to read and print employee information. So ये हमारा question है, और इस question को समझने से पहले इसमें एक जो word लिखा है inheritance, हमें इसे समझना बहुत जरूरी है. So हमारा पहला question क्या है कि what is inheritance? Simply the capability of a class to derive properties and characteristics from another class is called as inheritance. इसका मतलब क्या है कि एक क्लास से उस क्लास की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, हमारी क्लास की डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, ये हुए कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज उस क्लास की. तो एक क्लास से उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करना दूसरी क्लास में क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस. राइट, अब जिस क्लास से हम इनहेरिट करते हैं उस क्लास को हम कहते हैं बेस क्लास, या कुछ जगह पर आपको सुपर क्लास भी नाम मिलेगा. और जो इनहेरिट होती है क्लास, ये बेस क्लास तो वो हुई जिससे हमने इनहेरिट करी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, मतलब डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को. और जो इनहेरिट होके बनती है क्लास उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्लास और सब क्लास. राइट, तो अगर सिंपली मैं कहूं कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस अलाउज यूजर टू क्रिएट अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास. राइट, अब अगर मैं मैं इसके एडवांटेज की बात करूं कि ये जो हम एक क्लास को यूज करके उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिट करके दूसरी क्लास में जो हम डाल रहे हैं, उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि ये हमारे लाइंस ऑफ कोड्स बचाएगा. मतलब हमको, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पे क्लास बनाई ए, राइट, और इससे इनहेरिट होकर क्लास बनी है व्हाट, बी. दैट मींस क्लास ए के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो कि यूजफुल होंगे किसके लिए, क्लास बी के लिए. और मैं जब क्लास बी लिख रही होंगी तो क्योंकि हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जानते हैं, इस वजह से मुझे क्लास बी के अंदर जो फंक्शंस की जरूरत है जो ऑलरेडी क्लास ए में डिफाइंड है, उन फंक्शंस को मुझे क्लास बी के अंदर फिर से नहीं लिखना पड़ेगा. आई विल जस्ट कॉल दैट फंक्शन एंड वो फंक्शन की सारी डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी. तो ये हमारा इनहेरिटेंस का एक बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट फायदा है कि हमारा लाइन ऑफ कोड्स बच रहा है. लाइन ऑफ कोड्स बचने के कारण हमारा टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है, लाइन ऑफ कोड्स बच रहे हैं. इन सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो मेमोरी है, जो हमारी मेमोरी है वो भी सेव हो रही है. और मेमोरी सेव हो रही है दैट मीन्स हमारा जो, इससे हम क्या हो रहा है कि हम क्लास ए और बी के अंदर जो अगर अलग अलग फंक्शन हमको बनाने रहते, अगर सेम फंक्शन में दो दो बार डिफाइन करना पड़ता तो हमें दो दो बार वेरिएबल सेम टाइप की फंक्शनैलिटी डेफिनेशन पूरी लिखनी पड़ती, तो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा भी हम एक तरीके से अवॉइड कर सकते हैं इनहेरिटेंस के अंदर. तो ये हमारे एडवांटेजेस हुए इनहेरिटेंस के अंदर. अब ये जो इनहेरिट वर्ड में कह रही हूँ, वो इनहेरिट का मतलब क्या होता है, इनहेरिट मींस अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, हमारे जो फादर मदर होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उनसे उनकी कुछ क्वालिटीज या उनकी कुछ आदतें हैं, वो बाय हम क्योंकि उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं, दैट्स वाई कुछ क्वालिटीज, कुछ उनकी आदतें बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर भी आ जाती हैं. दैट मीन्स हमने हमारे पेरेंट्स की कुछ जो क्वालिटीज हैं
वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली इनहेरिट हुई है. और सिर्फ क्वालिटीज की बात नहीं है, इट्स अबाउट ऑल दी थिंग्स, उनके नेचर, उनका बात करने का तरीका, ये सब चीजें कहीं ना कहीं भली हो सकता है पार्शली आ जाए बट आता है, इनहेरिट बच्चे के अंदर हो जाता है. तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस को समझने का कि जब हम कोई क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बनाई है क्लास ए, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बेस क्लास. उससे इनहेरिट होकर एक क्लास बनी है, वो क्या है, बी क्लास, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्लास. तो ये हमारा एक पूरा इनहेरिटेंस क्या होता है, इसका पूरा एक इंट्रोडक्शन है. अब इनहेरिटेंस के अगर टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनहेरिटेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. जैसे सिंगल होता है, फिर मल्टी लेवल होता है, मल्टीपल होता है जिसके बारे में हमारा क्वेश्चन है आज का, फिर उसके बाद हायरार्किकल होता है, हाइब्रिड होता है. तो ये इतने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं. लेकिन हम टाइप्स पर जाएं उससे पहले हम ये समझे कि इनहेरिटेंस जो हम करेंगे, क्लास ए से हम कुछ चीजें इनहेरिट करके क्लास बी को देंगे, तो वो लिखने का हमारा सिंटेक्स क्या होगा. वो सिंटेक्स होगा सिंपल, जैसे मैंने कहा क्लास, हमारा कीवर्ड यहां आएगा, फिर उसके बाद ड्राइव्ड क्लास नेम, ड्राइव क्लास नेम आएगा, इसके बाद कॉलन, देन एक्सेस मोड, देन बेस क्लास नेम. तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होगा किस चीज का, इनहेरिटेंस को लिखने का. अब इस सिंटेक्स को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इस सिंटेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं यही ए और बी वाले एग्जाम्पल को लेती हूं. तो सबसे पहले हमें क्लास ए बनाना रहेगा, तो वी विल मेक क्लास ए, और फिर उसके बाद यहां पे क्या होगी, क्लास ए की पूरी बॉडी होगी. फिर उसके बाद जब क्लास ए हमारी क्रिएट होगी, उसके अंदर हमने बहुत सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस बना दिए. इसके बाद हमें क्लास बी बनाना है. क्लास बी क्या है, एक ड्राइव्ड क्लास है, जिसने प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करी, जिसने डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस इनहेरिट करे हैं किससे, क्लास ए से. तो उसको लिखेंगे कैसे, कि कैसे उसका सिंटेक्स क्या होगा, वो ये क्लास बी जो हमारा ड्राइव्ड क्लास का नाम है, देन कॉलन. फिर उसके बाद एक्सेस मोड, यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्सेस मोड. आपको याद हो तो मैंने क्लास ऑब्जेक्ट्स वाली क्लास में आपको एक्सेस स्पेसिफायर समझाए थे, वो क्या थे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. ये मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर समझाए थे. इन एक्सेस स्पेसिफायर्स का काम क्या था, जो हमारा डेटा है उसको पब्लिक बनाना या प्रोटेक्टेड बनाना या प्राइवेट बनाना. अगर हमारे क्लास जो हमारा क्लास होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो हमारे डेटा मेंबर्स या उसके मेंबर फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं. एंड इफ वी वांट टू यूज इट आउटसाइड द क्लास, हमको क्या करना पड़ता था, उनको पब्लिक करना पड़ता था. सिमिलरली यहां पर मीनिंग तो सेम रहेगा पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का, बट थोड़ा सा वर्किंग चेंज हुआ. वो क्या, कि एक्सेस मोड जो हमारे हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, यहाँ पे उनका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी पब्लिक और फिर बेस क्लास का नाम क्या है, बेस क्लास का नाम है हमारा ए. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगी और यहाँ पे हमारी पूरी क्लास बी की बॉडी रहेगी, तो इस लाइन का मतलब हो जाएगा, जैसे ही हम पब्लिक लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो क्लास ए के अंदर की मेंबर्स मैंने ड्राइव करे, इनहेरिट करे हैं क्लास बी के अंदर, वो मेंबर्स क्लास बी में आके क्या होंगे,
पब्लिक होंगे. दैट मीन्स द पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम पब्लिक इन द ड्राइव क्लास. मतलब जो क्लास ए के पब्लिक मेंबर्स होंगे वो क्लास बी के अंदर आकर वो भी पब्लिक कहलाएंगे. एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड इन डिराइव क्लास. दैट मीन्स जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे वो हमारे ए क्लास के जब बी में इनहेरिट होके जाएंगे तो वो भी वहां पे क्या होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे. बट यहीं पर अगर मैं पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड लिख देती तो इसका मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब होता कि बोथ पब्लिक मेंबर या प्रोटेक्टेड मेंबर जो हमारी बेस क्लास के होंगे वो, बेस क्लास यहाँ क्या है, ए, वो बी क्लास मतलब हमारी जो डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर जाके क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे. और यहीं पे मैं प्रोटेक्टेड की जगह पे प्राइवेट लिख दूंगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पब्लिक मेंबर या प्रोटेक्टेड मेंबर, पब्लिक मेंबर या प्रोटेक्टेड मेंबर किसके, क्लास ए के भी डिराइव्ड क्लास में जाकर क्या हो जाएंगे, ड्राइव क्लास मीन्स यहाँ पे क्लास बी की बात हो रही है, वो क्या हो जाएंगे, प्राइवेट डेटा हो जाएगा. तो ये हमारा एक्सेस मोड होता है. और ये पूरा, ये जो पूरा लिखा हुआ है क्लास ए से लेकर यहां तक, ये हमारा इनहेरिटेंस लिखने का क्या होता है, तरीका होता है, सिंटेक्स होता है, राइट. तो ये हमारे हो गए सिंटेक्स. अब मैं इसके टाइप्स के पास जाऊं, टाइप्स के बारे में मैं बात करूं तो इनहेरिटेंस का टाइप, सबसे पहला टाइप क्या है, उसका है सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस जस्ट मीन दैट अ क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास. मतलब एक क्लास जो हमारी डिराइव्ड क्लास यहाँ पे एग्जांपल में जो बी है वो सिर्फ एक बेस क्लास से ही इनहेरिट हो सकती है. दैट मीन्स कि एक सब क्लास की सिर्फ एक ही सुपर क्लास हो सकती है. दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं ड्राइव क्लास और बेस क्लास की बात कर रही हूँ, बेस को हम सुपर क्लास कहते हैं, डिराइव को हम सब क्लास कहते हैं, तो एक ड्राइव क्लास की सिर्फ एक ही बेस क्लास हो सकती है, राइट. और इसको समझने के लिए एग्जांपल क्या होगा, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक क्लास है मोबाइल, और एक क्लास है मेरे पास सैमसंग जो कि डिराइव्ड है किससे, मोबाइल से. तो ये जो एग्जांपल है मोबाइल और सैमसंग का, ये क्या हो जाएगा एग्जांपल सिंगल इनहेरिटेंस का. क्यों, बिकॉज सैमसंग इज अ कंपनी ऑफ मोबाइल, कंपनी है एक सैमसंग जो कि अगर मोबाइल की हम बात करें तो सैमसंग मोबाइल के प्रोडक्ट्स हमको निकाल के देगी. तो यहाँ पे इस सिनेरियो में सैमसंग की सिर्फ जो क्लास सैमसंग है उसकी सिर्फ एक ही बेस क्लास है, वो क्या है, क्लास मोबाइल. तो ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया. अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं इनके डेटा की, फॉर एग्जांपल जो हमारे क्लास के अंदर डेटा होगा, मोबाइल क्लास के अंदर जो डेटा होगा वो कौन सा डेटा इनहेरिट होगा किसके अंदर, हमारे सैमसंग क्लास के अंदर, क्योंकि सैमसंग क्लास इनहेरिट है किससे, मोबाइल क्लास से. तो सिर्फ प्राइवेट डेटा हमारा जो बेस क्लास का होता है वो कभी भी डिराइव क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं होता है. और इसके अलावा पब्लिक या प्रोटेक्टेड डेटा हमारी बेस क्लास से डिराइव क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाता है. तो ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस की. इसके बाद अगर मैं इसके दूसरे टाइप के पास जाऊं तो दूसरा टाइप हमारा क्या है, वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसी एग्जांपल को लेते हुए मैं जाऊं क्लास मोबाइल, क्लास सैमसंग, इसके बाद मैंने एक और क्लास बना दी, दैट इज क्लास सैमसंग S5, दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम सैमसंग क्लास. तो ये जो हमारी क्लास मोबाइल है वो बेस क्लास हुई किसकी, क्लास सैमसंग की. और ये जो क्लास सैमसंग है वो बेस क्लास किसकी हुई,
क्लास सैमसंग S5 की। दैट मीन्स मल्टी लेवल, ये नाम खुद को डिफाइन कर रहा है, मल्टी लेवल मतलब लेवल विद इन लेवल। तो एक लेवल हमारा मोबाइल से डिराइव होकर क्लास बनी सैमसंग, और सैमसंग से ड्राइव होकर क्लास बनी सैमसंग S5। तो ये हमारा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके बाद अगर हम आए नेक्स्ट टाइप के ऊपर, तो नेक्स्ट टाइप हमारा होता है वो क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है व्हेन अ क्लास कैन इनहेरिट, वेयर अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस। मतलब कोई एक डिराइव्ड क्लास की एक से ज्यादा बेस क्लास हो सकती है, इस लाइन का मतलब ये हुआ। ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके एग्जांपल की अगर बात करूं, जैसे यहाँ पर एक मैंने यहाँ पे करी क्लास ए, उससे इनहेरिट होकर क्लास बी बनी थी, एक और क्लास मैंने बनाई वो है क्लास सी, वो भी एक क्या है बेस क्लास, और इस क्लास सी से इनहेरिट होकर क्लास बनी है कौन सी बी। दैट मींस क्लास बी जो है कि एक ड्राइव क्लास है, वो किन दो बेस क्लासेस से इनहेरिट होकर बनी है, क्लास ए और क्लास सी। अगर इसके एग्जांपल के लिए जाऊं तो एक फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया क्लास पर्सन, इसके बाद मैंने एक और क्लास बनाई क्लास एम्प्लॉई, और इसके बाद मैंने एक क्लास बनाई टीचर नाम की, जो कि इनहेरिट हो रही है किस किस से, एक तो पर्सन से और हो रही है किससे, एम्प्लॉई से। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्लास टीचर है उसके अंदर क्लास पर्सन, क्लास पर्सन के अंदर कौन कैसे फंक्शंस होते हैं, हो सकते हैं स्लीपिंग, ईटिंग फंक्शन, वॉकिंग फंक्शन, तो ये सारा काम एक क्लास टीचर के अंदर जो हमारे क्लास टीचर का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर भी ये सारे फंक्शंस, ये सब क्वालिटीज होंगी। और जो एम्प्लॉय, बिकॉज टीचर इज इटसेल्फ अ एम्प्लॉय ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब वो एम्प्लॉय की भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। मतलब जो एम्प्लॉय के अंदर भी मेंबर फंक्शंस होंगे वो भी हमारे क्लास टीचर के अंदर इनहेरिट हो सकते हैं। तो दैट मींस क्लास टीचर इज इनहेरिटेड फ्रॉम टू बेस क्लासेस, दैट इज पर्सन एंड एम्प्लॉय, राइट। तो दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बाद हम अगर आए हमारे नेक्स्ट टाइप के ऊपर, तो नेक्स्ट टाइप है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक बेस क्लास से दो डिराइव्ड क्लास बनना। दैट मींस एक बेस क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करके दो डिराइव्ड क्लास बनना। मोर देन वन डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, राइट। इस सिनेरियो में बात करूं कि अगर क्लास ए से एक क्लास बनी क्या क्लास बी, और एक और क्लास बनी दैट इज क्लास सी, तो क्लास ए जो हमारी बेस क्लास है उससे प्रॉपर्टीज इनहेरिट करके क्लास बी भी बनी है और क्लास सी भी बनी है। दैट मींस बेस क्लास की ए जो है हमारा यहाँ पर, इसकी दो डिराइव्ड क्लास है, दैट इज क्लास ए एंड क्लास सी। इसका एग्जांपल सेम क्लास अगर मैंने बनाई मोबाइल, ठीक है, इससे इनहेरिट होकर एक क्लास बनी सैमसंग, और एक और क्लास बनी है रेडमी नाम की, जो कि ये भी इनहेरिट हुई है किस क्लास से, मोबाइल क्लास से। दैट मींस मोबाइल क्लास की दो ड्राइव क्लास हो गई, एक सैमसंग और एक रेडमी। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। लास्ट
एग्जाम्पल की मैं लास्ट टाइप की मैं बात करूं इनहेरिटेंस की, तो लास्ट टाइप जो होता है हमारे इनहेरिटेंस का वो होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा इनहेरिटेंस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मल्टी लेवल मल्टीपल का हमने एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का हमने हमारा एक अरेंजमेंट है, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का अरेंजमेंट है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसको हम वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, राइट right? या फिर हेरारिकल इनहेरिटेंस कंबाइन कर दिया हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ, हेरारिकल को मैंने कंबाइन कर दिया सिंगल देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के साथ, तो ये हमारा पूरा जो कॉम्बिनेशंस होते हैं दो इनहेरिटेंस के वो क्या कहला जाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें अगर एग्जाम्पल पे मैं जाऊं तो आप एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि एक क्लास है ग्रैंडफादर नाम की, जिसकी दो सब क्लास है, जिसकी दो सब क्लास है, दैट इज S1 एंड S2। मतलब एक सन हुआ और दो सन हुए, उसका नाम मैंने क्या लिख दिया, दो क्लासेस का S1 एंड S2, ये दोनों डिराइव हुई हैं ग्रैंडफादर से। फिर उसके बाद मेरा एक और मैंने डिराइव करी S1 क्लास से, वो कौन सी, चाइल्ड नाम की क्लास, राइट right. तो ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो किस टाइप का अरेंजमेंट लग रहा है, कि एक तो हमारा ग्रैंडफादर से डिराइव होके क्लास बनी S1, S1 से डिराइव होके क्लास बनी चाइल्ड। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और फिर उसके बाद हमने एक फिर हम सेकेंड अरेंजमेंट देखे तो वो क्या है, ग्रैंडफादर से डिराइव होकर दो ड्राइव्ड क्लास बनी, दैट इज S1 एंड S2, तो ये क्या हुआ हमारा, हेरारिकल इनहेरिटेंस। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया मल्टी लेवल और हेरारिकल का, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, बिकॉज हमने सारे टाइप समझ लिए इनहेरिटेंस के, तो हम हमारे क्वेश्चन पर अगर वापस आए तो हमारा क्वेश्चन था, राइट अ C++ प्रोग्राम यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस हैविंग बेस क्लास बेसिक इन्फो विच कंटेन्स नेम एम्प्लॉय आईडी जेंडर एंड क्लास डिपार्टमेंट इन्फो कंटेन्स डिपार्टमेंट नेम असाइंड वर्क टाइम टू कंप्लीट ड्राइव्ड क्लास एम्प्लॉय फ्रॉम बोथ बेसिक इन्फो एंड डिपार्टमेंट इन्फो to read and print employee information। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें अरेंजमेंट किस चीज का बनाना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का, इसके अंदर हमें एक बेस क्लास बनानी है, वो क्या है, उसका नाम क्या है, बेसिक इन्फो। उस क्लास के अंदर हमें डेटा मेंबर्स बनाने हैं, नेम देन एम्प्लॉय आईडी जेंडर, राइट, और फिर उसके बाद मुझे एक और क्लास बनानी है, एक और बेस क्लास बनानी है जिसका नाम है डिपार्टमेंट इन्फो, जिसके अंदर हमें डेटा मेंबर्स बनाने हैं, डिपार्टमेंट नेम असाइंड वर्क टाइम टू कंप्लीट। फिर एक डिराइव्ड क्लास बनानी है जो कि डिराइव हुई है इन दोनों बेस क्लास से, उस ड्राइव क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय के अंदर मुझे हमें बेसिक इन्फो के अंदर जो हमने डेटा मेंबर्स लिए और डिपार्टमेंट इन्फो के अंदर उनकी वैल्यूज मुझे इनपुट लेनी है यूजर से, दैट मीन रीड करना है, और देन आई हैव टू प्रिंट द इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयज इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट, और वो भी हमें डिराइव क्लास एम्प्लॉय के अंदर ही करना है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझें, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि having base class basic info which contains name employee id gender। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या है, सबसे पहले फ्लो चार्ट में सबसे पहला काम क्या बनाया कि हमें एक क्लास बनानी है बेसिक इन्फो नाम की, जिसके अंदर मुझे अलग अलग डेटा मेंबर्स बनाने हैं। तो मैंने यहां बना दी क्लास बेसिक इन्फो, और इसके अंदर क्या बनाना है, हम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि प्राइवेट डेटा कैन नॉट बी इनहेरिटेड, तो मैं यहां पर डेटा प्रोटेक्टेड बना रही हूं। प्राइवेट डेटा को इनहेरिट भी कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, हम फंक्शंस के थ्रू, मेंबर फंक्शंस बना लिए जो कि पब्लिक कर दिए, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं प्रोटेक्टेड। इसके अंदर क्या करा,
एक मैंने नेम के लिए कैर डेटा टाइप में नेम नाम का एरे बनाया दैट कंटेन्स 50 साइज, जिसकी साइज 50 है. फिर उसके बाद मैंने एम्प्लॉय आईडी के लिए इंटीजर टाइप डेटा टाइप लिया. फिर उसके बाद क्या हो गया, जेंडर कैर जेंडर, बिकॉज हमें एक ही कैरेक्टर की जरूरत रहेगी तो हम यहाँ पे एरे बनाने की कोई जरूरत नहीं है. इसके बाद मैंने एक और यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन बना रही हूं. उस मेंबर फंक्शन का नाम क्या है, void get b, void get b. इस मेंबर फंक्शन का काम क्या है, नेम एम्प्लॉय आईडी और जेंडर की वैल्यूज इनपुट लेना यूजर से, राइट. तो मैंने यहां पे कर दिया सी आउट एंटर नेम, देन मैंने यूज करा गेट एस फंक्शन, इसके अंदर मैंने नेम एस आर्ग्यूमेंट पास कर दिया. फिर उसके बाद सी आउट फॉर एंटर एम्प्लॉय आईडी, देन सी इन कर लिया क्या, EMP ID, यही नाम दिया है हमने. देन उसके बाद मैंने सी आउट करा किसके लिए, एंटर जेंडर देन सी इन जेंडर. तो ये हमारा काम है गेट बी फंक्शन का. इसके बाद हमारी क्लास बेसिक इन्फो हो गई क्लोज. नेक्स्ट काम हमारे क्वेश्चन में क्या है, टू मेक क्लास डिपार्टमेंट इन्फो, राइट. जिसके अंदर मुझे क्या क्या बनाना है, डिपार्टमेंट नेम बनाना है, असाइन वर्क बनाना है एंड देन टाइम टू कंप्लीट बनाना है और इनकी वैल्यूज भी हमको इनपुट लेना है. बाय आई एम टेकिंग दीज वैल्यूज इनपुट यहाँ पे, क्यों, ताकि आई जस्ट नीड टू, यहाँ पे मैं जो कोड लाइन ऑफ कोड लिख रही है इसको मैं रीयूज करने वाली हूँ किसमें, इनकी डिराइव्ड क्लास में. तो मैंने एक क्लास बनाया, क्या नाम है उस क्लास का, डीपीटी इन्फो. इसके अंदर मैंने भी डेटा मेंबर्स बनाए, डिपार्टमेंट नेम नाम का बनाया मैंने एक कैरेक्टर एरे जिसकी साइज मैंने दे दी 30. फिर उसके बाद मैंने एक असाइंड वर्क एरे बनाया जिसकी भी साइज मैंने दे दी क्या 30. फिर उसके बाद इंट टाइप का एक बनाया मैंने टाइम टू कंप्लीट के लिए, राइट. ये हमको बनाने के लिए बोला था हमारे क्वेश्चन के अंदर. फिर उसके बाद मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया, उस मेंबर फंक्शन का नाम क्या है, void, रिटर्न टाइप void हुआ और नाम है गेट डी. डी इसलिए क्योंकि हम डिपार्टमेंट इन्फो वाली क्लास का फंक्शन बना रहे हैं और ऊपर मैंने क्या लिखा था, गेट बी, क्यों, बिकॉज हम लोग बेसिक इन्फो वाले फंक्शन के लिए, बेसिक इन्फो वाली क्लास के लिए फंक्शन बना रहे थे. नाउ इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे इस फंक्शन की, वो क्या है कि हमें जो वैल्यूज है वो रीड करनी है किसकी, डिपार्टमेंट नेम की, असाइन वर्क की और टाइम टू कंप्लीट के लिए. तो मैंने एक सी आउट करा यहां पर,
और यहाँ पे लिखा एंटर डिपार्टमेंट नेम, देन आई यूज गेट एस और के अंदर मैंने डीपीटी नेम पास कर दिया। फिर मैंने सी आउट लिखा किसके लिए, एंटर असाइंड वर्क और अगेन आई यूज्ड गेट एस फंक्शन फॉर एंड देन आई पास्ड असाइंड वर्क डेटा मेंबर हियर। फिर उसके बाद मैंने लास्ट सी आउट लगाया किसके लिए, एंटर टाइम इन आवर्स टू कंप्लीट, यहां सी इन कर लिया टाइम टू कंप्लीट डेटा मेंबर। राइट, तो ये हमारा गेट डी फंक्शन भी ओवर हो गया और इसी के साथ हमारा डिपार्टमेंट इन्फो जो हमारी क्लास है वो भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो दो बेस क्लास हमारी बन गई हैं, वो क्या है क्लास, एक तो बेसिक इन्फो और फिर उसके बाद क्लास डिपार्टमेंट इन्फो। इसके लिए मैं यहाँ पे एक सी आउट और लिख देती हूँ, क्या कि एंटर एम्प्लॉइज या फिर दिस सी आउट आई यूज इन ड्राइव्ड क्लास ओनली। राइट, और हमारी अब दोनों क्लास बन गई हैं, सो वी जस्ट नीड टू मेक आर ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास का नाम क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉई क्लास हमने बनाई। अब एम्प्लॉई क्लास किससे ड्राइव्ड है, बेसिक इन्फो और किससे, डिपार्टमेंट डीपीटी इन्फो। राइट, इनसे हमारी डिराइव्ड क्लास इनहेरिट हुई है। तो ये हमने सिंटेक्स लिख दिया हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए और फिर उसके बाद अब हम एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे। एम्प्लॉय क्लास के अंदर वी जस्ट नीड टू, हमें कोई डेटा मेंबर्स तो बनाने नहीं है, डेटा वेरिएबल्स तो कुछ बनाने नहीं है, तो हम डायरेक्टली हमारे क्या बनाते हैं फंक्शंस, वो क्या गेट डिटेल्स। इस फंक्शन का काम क्या है, रीड करना वैल्यूज को, यूजर से इनपुट लेना बेसिक इन्फो वाली वैल्यूज के लिए मेंबर्स के लिए और डिपार्टमेंट इन्फो वाली मेंबर्स के लिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक सी आउट जिसके अंदर मैंने लिख दिया एंटर एम्प्लॉइज डिटेल्स। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, अब एक फंक्शन कॉल कर दे रही हूँ जो कि मैंने ऊपर बनाया बेसिक इन्फो के अंदर, वो था गेट बी फंक्शन। और मैं दूसरा फंक्शन जो मैंने डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट इन्फो में भी बनाया वो क्या है, गेट डी फंक्शन। जैसे ही मैंने ये दो फंक्शंस कॉल कर दिए यहाँ पे उन फंक्शंस की डेफिनेशंस कॉल हो गई हैं और वो उन फंक्शंस की जो पूरे हमने लाइन कोड्स ऑफ लाइंस लिखे हैं वो सब यहाँ पे अब पूरे आ गए हैं और यहाँ पे पूरी की पूरी अब प्रोसेस होगी किसके लिए, वैल्यूज को रीड करने के लिए। ठीक है, तो आपने अभी देखा हमने यहाँ पे हमें फिर से लाइन ऑफ कोड्स नहीं लिखना पड़ा कि एम्प्लॉय का नेम दीजिए, फिर उसकी हमें डिपार्टमेंट नेम दीजिए, असाइंड वर्क टाइम टू वर्क एंड एम्प्लॉय आईडी, ये सब मुझे नहीं लिखना पड़ा। आई जस्ट कॉल दी फंक्शन, वाई, बिकॉज एम्प्लॉय क्लास इज डिराइव फ्रॉम बेसिक इन्फो क्लास एंड डिपार्टमेंट इन्फो क्लास। इसके बाद
मैंने एक और फंक्शन बनाया प्रिंट डिटेल्स नाम का, जिसका काम क्या है, हमारा जो आउटपुट है, फाइनल आउटपुट है, उसे प्रिंट करवाना। और वो फाइनल आउटपुट प्रिंट कराने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे सी आउट एम्प्लॉइज इन्फॉर्मेशन इज नेक्स्ट सी आउट किसके लिए, नेम और यहां पे मैंने प्रिंट करवा दिया नेम राइट। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारी क्या थी, एम्प्लॉय आईडी थी, मैंने यहां लिख दिया एम्प्लॉय आईडी ईएमपी आईडी। नेक्स्ट इज जेंडर, डेटा मेंबर लिख दिया जेंडर। इसके बाद क्या था हमारा, डिपार्टमेंट इन्फो पर आ रहे हैं अब हम, तो डिपार्टमेंट इन्फो में हमको क्या प्रिंट कराना है, डिपार्टमेंट नेम, आई एम राइटिंग हियर डिपार्टमेंट नेम डीपीटी नेम। फिर असाइंड वर्क then last one is time to complete work। So this is our print details function. I'm using slash n for new line. So I think हमारा सारी जो हमारे values थी employees से related, name, employee ID, gender, department name, assigned work and time to complete work print हो गया है। Now it's time to make our main function. के अंदर आई एम यूजिंग क्लियर स्क्रीन टू क्लियर लास्ट आउटपुट। और फिर उसके बाद इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाली हूं। अब क्वेश्चन ये है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूं मैं, यहां पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूं। और वो क्यों, बिकॉज हम यहाँ पे जो डेटा हमारा जो आउटपुट प्रिंट करवा रहे हैं या फिर हम जो इनपुट ले रहे हैं वो हम किन फंक्शंस के थ्रू ले रहे हैं, हम ले रहे हैं प्रिंट डिटेल्स फंक्शन के थ्रू और गेट डिटेल्स फंक्शन के थ्रू। और ये दो फंक्शन कहाँ बने हुए हैं, क्लास एम्प्लॉय के अंदर। दैट मीन्स हमको उनको कॉल करना है अगर उन फंक्शन को, तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और वो क्लास इस वक्त क्या है, एम्प्लॉय। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया ईएमपी, और उससे मैंने कॉल कर दिया ईएमपी डॉट गेट डिटेल्स। नेक्स्ट मैंने कॉल कर दिया ईएमपी डॉट प्रिंट डिटेल्स गेट सी एच ओ। सो
लेट्स क्रॉस चेक आवर क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन क्या था, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का अरेंजमेंट बनाना जिसके अंदर दो बेस क्लास होंगी, एक बेसिक इन्फो नाम की, एक डिपार्टमेंट इन्फो नाम की. बेसिक इन्फो के अंदर हमें डेटा मेंबर्स बनाने हैं, एक नेम, एम्प्लॉय आईडी और जेंडर. डिपार्टमेंट इन्फो के अंदर बनाना डिपार्टमेंट नेम, असाइंड वर्क, टाइम टू कम्प्लीट. और इन सबकी वैल्यूज रीड करने के लिए भी मैंने दो फंक्शंस बनाए दोनों अलग अलग क्लास के अंदर. वो क्या, गेट बी नाम का बेसिक इन्फो के लिए, गेट डी नाम का बनाया मैंने डिपार्टमेंट इन्फो के लिए. फिर उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट जो हमारी क्लास है तीसरी, एम्प्लॉय के लिए, जो कि डिराइव हुई है दो बेस क्लासेस से, एक बेसिक इन्फो नाम की और एक डिपार्टमेंट इन्फो नाम की. फिर उसके बाद उसके अंदर मैंने दो मेंबर फंक्शंस बनाए और वो मेंबर फंक्शंस कौन कौन से हैं, गेट डिटेल्स जो कि इनपुट लेने का काम करिए उस फंक्शन के अंदर, गेट डिटेल्स फंक्शन के अंदर मैंने दो फंक्शंस कॉल कर रहे हैं एम्प्लॉय क्लास की पेरेंट क्लास में से, वो कौन सी, बेसिक इन्फो डिपार्टमेंट इन्फो में गेट डी और गेट डी, हाँ मैंने फंक्शन कॉल कर दिए. फिर प्रिंट डिटेल्स में मैंने सारी की सारी डिटेल्स को प्रिंट करवा दिया, नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, डिपार्टमेंट नेम, असाइंड वर्क, टाइम टू कम्प्लीट. राइट, सो लेट्स कंपाइल इट. वन वार्निंग, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, इन इंट मेन वी हैव टू रिटर्न द वैल्यू. Return 0. Again compile it and then run it. Enter employees detail, enter name. For example, I am taking Ankit. Then enter employee ID 123124. Okay. Enter gender male. Enter department name. See, अब हमारा सेकेंड ये यहाँ पे जो एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स और एंटर नेम क्या हुआ, ये जो एंटर नेम, एंटर एम्प्लॉय आईडी और एंटर जेंडर जो हमारा आउटपुट है, ये कौन से वाले फंक्शन को हमने कॉल किया था, गेट डिटेल्स में गेट बी वाले फंक्शन को, उससे ये आए. अब हमारा कौन सा फंक्शन स्टार्ट हो गया है, गेट डी, जिसको हमने कॉल किया गेट डिटेल्स के अंदर, जो कि हमारी जो कि बना हुआ है हमारी डिराइव क्लास के अंदर एम्प्लॉय नाम की. तो डिपार्टमेंट नेम फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आईटी, असाइंड वर्क, कोडिंग. Enter time in hours to complete, 12 hours. So this is our information जो कि पूरी हमारी print details नाम के function के through यहाँ पे output आ गया है. Employees information is name Ankit, employee ID 124, gender M, male means, department name IT, assigned work coding, time to complete work 12 hours. Right, तो ये हमारा पूरा program बन गया है. Let's do the some logical corrections. That means, जो हमारा print हुआ है उनके लिए यहाँ पे I'll use /n and then enter time in hours to complete. Now we are ready to go again. Compile it and then run it. Name Anmol. Employee ID 0187. Gender 1 minute. I think I entered 2 times. So that's run again. Anmol. Employee ID 0187. Enter gender. One minute. Gender M. Right. Then department name IT. Assigned work coding.
एंटर टाइम इन आवर्स टू कम्प्लीट 11 आवर्स. तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई. एम्प्लॉयज इन्फॉर्मेशन इज नेम अनमोल, एम्प्लॉय आईडी 123, जेंडर मेल, डिपार्टमेंट नेम आईटी, असाइंड वर्क कोडिंग, टाइम टू कम्प्लीट वर्क 11 आवर्स. तो दिस इज आवर प्रोग्राम ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. और इस प्रोग्राम के इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, फिर उसके बाद हमने ये जाना कि इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. फिर उसके बाद उन टाइप्स की हमने फंक्शनैलिटी भी, अरेंजमेंट भी समझा कि किस तरीके से वो अरेंज होते हैं, कैसे, कौन सी क्लास किससे ड्राइव होती है, कितनी उनकी बेस क्लास हो सकती है, कितनी ड्राइव क्लास हो सकती है, ये सब कुछ. और फिर उसके बाद हमने एक प्रोग्राम बनाया जो कि इम्प्लीमेंटेड है मल्टीपल इनहेरिटेंस के ऊपर, जिस प्रोग्राम के अंदर दो बेस क्लास थी, बेसिक इन्फो और डिपार्टमेंट इन्फो, जिसके अंदर हमने उनके डेटा मेंबर्स की इनपुट ली थी. वो डेटा मेंबर्स क्या थे, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, डिपार्टमेंट नेम, असाइंड वर्क, टाइम टू कंप्लीट वर्क, राइट. फिर उसके बाद हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय जो कि ड्राइव्ड थी दोनों बेस क्लास से. वो बेस क्लास थी बेसिक इन्फो, डिपार्टमेंट इन्फो. और उस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने गेट डिटेल्स नाम के फंक्शन के अंदर मैंने सारी की सारी जो डेटा जो हमारा बेसिक इन्फो और डिपार्टमेंट इन्फो के जो फंक्शन थे गेट बी और गेट डी, उनको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया ताकि गेट डिटेल्स ने रीड कर ली इन्फॉर्मेशन किसकी, बेसिक इन्फो और डिपार्टमेंट इन्फो की. फिर उसके बाद मैंने प्रिंट डिटेल्स नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने सारे डेटा मेंबर्स जो कि किसके हैं, बेसिक इन्फो और डिपार्टमेंट इन्फो क्लास की, उनको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया. और वो क्यों हो सका, बिकॉज एम्प्लॉय इज डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक इन्फो क्लास एंड डिपार्टमेंट इन्फो. और फिर हमारा फाइनल आउटपुट आ गया. फिर उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर एम्प्लॉय क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया EMP. और एम्प्लॉय क्लास का क्यों बनाया, बिकॉज वी आर गोइंग टू कॉल दी फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉय क्लास by with object EMP by using dot operator. तो ये इसलिए हमने employee class का बनाया object. तो ये हमारा पूरा program था. और इस program के अंदर हमने inheritance की functionality जानी. So thank you very much.